श्री राघवेंद्राय नमः। मैं रीतलाल जादव हूँ। ये नाम काफ़ी है मेरे चेहरे को पहचान लो। मैं खनन माफिया हूँ। रीतलाल जादव के भाई संतोष कुमार चले गए खनन विभाग में, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को धमकाया, आ जाओ तो मोड़ पर तुम्हें ट्रक चढ़ा करके मार दिया जाएगा, क्योंकि मैं रीतलाल जादव का भाई हूँ। और रीतलाल जादव के भाई के ट्रक को पकड़ करके तुमने 4 लाख जुर्माना किया है, तुम्हारी ये मजाल कैसी हुई? ऑफिस में जा करके संतोष कुमार ने धमकाया है, क्या कहेंगे इसे, क्या नाम देंगे? यही जंगल राज है। अब तो लिखना पड़ेगा। जंगल राज आ गया। देखिए, अपराधियों के चेहरे खिल गए। पुलिस मारी जा रही है सिवान में, क्योंकि खान ब्रदर्स के इलाके में पुलिस ने हिमाकत की थी जाने की। पुलिस पेट्रोल पार्टी पर फायरिंग हुई और एक सिपाही मारा गया। रीतलाल जादव के भाई संतोष कुमार ने जाकर के खनन विभाग में धमकाया है, पूछा है बड़ा बाबू से, कहाँ है तेरे साहेब? साहेब अभी नहीं है, फोन लगाओ। फोन लगाया गया, गंदी गंदी बातें की, आ जाओ मोड़ के पास। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, तुमने हमारे ट्रक को पकड़ करके चालान किया है, तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तुमने 4 लाख रुपए का चालान काटा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं बख्शेंगे। तेरे गाड़ी के ऊपर हम ट्रक चला देंगे, तेरी जीवन लीला खत्म कर देंगे। मैं रीतलाल जादव का भाई हूँ। ये धमकियाँ अगर भी बीजेपी रहती नीतीश जी के साथ आज, तो कोई देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आज खनन विभाग में रामानंद जादव कुर्सी पर आसीन है। कौन रोक सकता है जादवों को बालू के उठाव करने से? मैं रीतलाल जादव का भाई संतोष कुमार हूँ। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, बाहर तो निकलो चूहे। तुमने हमारे ट्रक पर फाइन कर दी है, मेरे ट्रक को पकड़ा है, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और तुम्हें मोड़ के पास आओगे तो तेरे ऊपर गाड़ी चला दी जाएगी, तेरी जीवन लीला खत्म कर दी जाएगी। मैं रीतलाल जादव का भाई हूँ संतोष कुमार, पहचान ले कुत्ते। ये धमकियाँ, मौत का भय दिखाने वाला ये रीतलाल जादव का भाई आज बिहार में सरेआम घूम रहा है, क्योंकि खनन माफिया बैठा हुआ है रामानंद जादव। खनन माफिया बैठा हुआ है रामानंद जादव, और रामानंद जादव के छत्र छाया में पल रहे हैं ये आतंकी उग्रवादी, ये गुंडे, ये माफिया। कौन रोकेगा इन्हें? किसकी हिमाकत है कि रीतलाल जादव के भाई के ट्रक को पकड़ ले? किसकी मजाल है
अब आ गया है जंगल राज। जंगल राज रिटर्न्स। जंगल राज की खूबियों को देखिए, खासियतों को देखिए और घर में दुबक जाइए, क्योंकि अभी सिवान में शहाबुद्दीन साहब ने दो दो चंदा बाबू के दो लड़कों को एसी से नहला के मारा था, पत्रकार को गोली मारी थी, और अब खान ब्रदर्स के इलाके में पुलिस पेट्रोल ढुक गई। गलती बस पुलिस की इतनी थी, और अंजाम हुआ उस गाड़ी पर गोली चल गई, मारा गया एक सिपाही, वो गरीब जो नौकरी करता था, उसकी पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, उसके बच्चों का सहारा छूट गया, बाप की हाथों का सहारा था, लाठी था, छिन गया। गरीब पिसते रहेंगे गुंडे मवाली, इनकलाब करते रहेंगे, प्रजातंत्र की दुहाई देते रहेंगे, चल रहे हैं मस्ती में, किसकी हैसियत है, किसकी हस्ती है जो टक्कर ले ले रीतलाल जादव के भाई से, किसकी हैसियत है टक्कर ले ले खान ब्रदर्स से। क्यों गोली मारी गई पुलिस को, एक संवाद बनता है, एक प्रश्न बनता है, क्योंकि पुलिस चली गई थी, उसे सूचना मिली थी कि यहाँ गलत शराब के अड्डे बन रहे हैं, और इसी जुर्म ने एक सिपाही की यह लीला समाप्त कर दी। मैं रीतलाल जादव का छोटा भाई संतोष कुमार हूँ। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, तेरी हैसियत क्या है जो तूने मेरे ट्रक को पकड़ा है? हम तुम्हें बता देंगे, आ जाओ तुम मोड़ पर, तेरे ऊपर हम ट्रक चला करके तेरी हत्या कर देंगे, और दुनिया देखती रह जाएगी मैं रीतलाल जादव का भाई संतोष कुमार हूँ। गरजने लगे माफिया, होने लगी माफियागिरी, क्योंकि खनन विभाग के अंदर ही आता है ये बालू, और जहाँ बालू वहाँ लालू, और उनके मंत्री हैं रामानंद जादव। क्या रामानंद जादव एक्शन लेंगे रीतलाल जादव के ऊपर, उनके भाई के ऊपर? कभी नहीं। आतंक मचा कर रखने वाले ये रीतलाल जादव, रामानंद जादव क्या कुछ बोलेंगे? वो खुद क्यों बोलेंगे, खुद उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो जानते हैं, इसी अपराध ने तो मुझे मंत्री बनाया है। सुशील कुमार मोदी ने खुलेआम कहा है कि रामानंद जादव से इस विभाग को ले लिया जाए। क्या श्रीमान नीतीश कुमार ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि रामानंद जादव खनन विभाग को त्याग करके दूसरे विभाग में चले जाएं और रीतलाल जादव जैसे लोगों के ऊपर शिकंजा कस दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमान नीतीश कुमार पलटूबा चाचा को कुर्सी चाहिए प्रधानमंत्री की। बिहार तो संभला नहीं, बिहार में सरेआम पुलिस मारी जा रही है, खनन इंस्पेक्टर धमकाया जा रहा है, और चले हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालने। अब प्रधानमंत्री बनेंगे 30-40 विधायक लेकर के, ये कौन सा कारनामा करेंगे? तो कहते हैं मैंने रामानंद जादव को मिलाया है, मैंने लालू जादव को मिलाया है, मैंने तेजस्वी जादव को मिलाया है, अब इन जादवों को मिला करके मैंने अपना समझौता किया है, अब मैं जदयू का विलय कर दूंगा, सब कुछ वो काम करूंगा जिससे कि मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी का ये लोग समर्थन करते रहें, और लालू जी इनकी कुर्सी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। उसी सिवान में चंदा बाबू के बेटे को एसी से नहला कर मारने वाला शहाबुद्दीन, और तीसरे बेटे को गोली से मारी थी शहाबुद्दीन ने,
पत्रकार की हत्या करने वाला शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन चला गया, लेकिन टेरर नहीं गया, भय नहीं गया, आतंक नहीं गया। पुलिस गई थी इलीगल शराब बनाने के गोदाम पर छापा मारने, उस पर गोली चल गई और एक बेचारा सिपाही मारा गया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने FIR भी करवाया है संतोष कुमार के ऊपर, जो कि क्या जो रीतलाल यादव का भाई अपने को बताता है, क्या उसके ऊपर पुलिस में इतनी दम है कि वो कार्रवाई कर सके और क्या उसे जेल के सिक्चों में बांध सके? कभी नहीं, ऐसा होते रहेगा। दो दिन तक टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्लाएंगे, फिर शांत।